आर्ट्स सेंट एंजल स्कूल सेक्टर 45 गुरुग्राम में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह अभ्युदय बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। माननीय श्री कुलदीप दहिया जी प्रमुख पुलिस प्रभारी सेक्टर 40 ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बच्चों ने बहुत उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। अभिभावक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बहुत उत्साहित थे। सेंट एंजल ग्लोबल स्कूल सेक्टर 70 की माननीय निर्देशक महोदया हेजल भारद्वाज ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। मुख्य संचालिका महोदया ख्याति आर्या ने भी बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अभ्युदय यानी एक नया उदय। वैश्विक महामारी के बाद विद्यालयों में इस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने का उद्देश्य था बच्चों में एक नया जोश, उत्साह, प्रगति की भावना पैदा करना और उनके मनोबल को बढ़ाना। कार्यक्रम बहुत रोचक और प्रेरणास्पद रहा और आगे भी बच्चों का जोश और उत्साह बरकरार रखने के लिए विद्यालय इस तरह के सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देता रहेगा ताकि बच्चों का मनोबल बना रहे। Tonight we gon' meet it on the floor.
This has been a day which we have been thinking of, imagining for like two years now. The pandemic has, you know, torn us apart. But, you know, I am really obliged that we have parents who supported us throughout our pandemic and who had that faith in us, trust in us, and we ensure you that we will take your ward, our school, at a different height. Congratulations to all the achievers, even for the non-achievers who participated, who did participate in the competition. Participating is another thing which we, you know, should encourage our students to do. We had been achieving a lot in the district level as well. We have recently got a prize in, I guess, boxing. So, you know, sky's the limit. हम लोगों को आप लोगों की यही सपोर्ट मिलती रहे, हम स्कूल्स को और अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। मैं दोबारा दया जी का धन्यवाद करता हूँ जो इतने शॉर्ट नोटिस में इन्होंने हमारा
proposal accept kiya and he was kind enough to come to our school. And आपको मैं बताऊं, जो एक बच्चे को मैंने अवार्ड दिया वो दया साहब के ही सुपुत्र हैं. So that was the only reason. He is also one of our parents. Thank you very much. God bless you. Stay safe. कार्यक्रम अभी डे एनुअल डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वी हैव हेल्ड दिस ईयर ऑन गोइंग पैंडमिक हैज नॉट अफेक्टेड आवर स्पिरिट्स एंड आई वुड लाइक टू थैंक द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन फॉर द नेवर एंडिंग एंड कमेंडेबल स्पिरिट टू माय टीचिंग स्टाफ टू द हेडमिस्ट्रेस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एज वेल एज द फोर्थ क्लास हाउसकीपिंग स्टाफ फॉर द कमेंडेबल सपोर्ट दे हैव गिवन टू दिस. Everyone is equally important. I thank all of you. Please enjoy your annual. Thank you. नमस्कार आप सबको मेरा. जैसे कि आप आज देख रहे हैं हमारा थीम अभ्युदय रियल टू रियलिटी. जो आज प्रोग्राम हमने शेड्यूल किया बच्चों को एनुअल फंक्शन बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस. जैसे आप देख पा रहे हैं पहले बोर्ड में बच्चे पिंजरे में हैं बच्चे लैपटॉप के साथ बच्चे मोबाइल फ़ोन के साथ ग्रसित हैं. ये क्यों है? What is the reason behind it? Are you able to see? The doors are open and they are coming out well and they are going to school. You are able to see school bus and birds are flying out of the cage. What is the reason behind it? The reason is now they are coming out after 2 years pandemic. 2 साल के pandemic के बाद ये COVID की महामारी के बाद 2 साल बाद हम ये प्रोग्राम करने में सफल हो पाए हैं. आज सफलतापूर्वक ये प्रोग्राम कंक्लूड किया. मैं बहुत खुश हूँ अपनी एंजलाइट्स को देख के. द वे दे हैव परफॉर्म्ड द वे दे केम अप विद द कॉन्फिडेंस विद द जील एंड वी आर एबल टू सक्सीड परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस वी डिड इट वेरी राइटली आउट राइटली. आई वुड लाइक टू से टू अदर स्कूल टू अदर स्टूडेंट्स टू अदर टीचर्स टू द पीपल दोज हु आर एबल टू सी मी दोज हु आर एबल टू हियर मी जो मुझे सुन पा रहे हैं आज. मैं चाहती हूँ बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करें. 2 साल में बच्चे का कॉन्फिडेंस मोरल बहुत डाउन गया है. हम सबको कोशिश करनी चाहिए इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे प्रोग्राम हम करवाते रहें बच्चों का मोरल बूस्ट करते रहें और बच्चों में वो क्षमता वापस आ जाए जो 2 साल पहले थी. मैं आशा करूंगी आप सब चीज़ सुनेंगे समझेंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे. आगे भी हमें ऐसे ही सहभागी हमारे साथ रहिए और हमें कोऑपरेट करते रहिए. थैंक यू सो वेरी मच.